नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप परीक्षा में बैठने जाएं तो उसके पहले अध्याय 8 के इन प्रश्नों को एक बार हल करके जरूर जाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से 100% संभावित हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि परीक्षा में बैठते समय इन प्रश्नों को हल करके एक बार जरूर जाएं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं, ये सभी 8 अध्याय से हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको घर में एक दो बार प्रैक्टिस करके देखें और सॉल्व करें। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको देखकर ही जाएं, एक बार हल करके जाएं। आइए देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला स्क्रीनशॉट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला स्क्रीनशॉट ए हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को हल करते समय मैं क्विक रिवीजन आपका यदि करवाऊँ तो यहाँ पर इस पक्ष को लेके आप इसको लाएं, इसको हल करने के लिए इसको परिवर्तित करें। कोसेक थीटा को बना पॉन साइन थीटा में और कॉट थीटा को करना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चूंकि हमें कॉस के टर्म में लानी है सारी वैल्यू, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें, एलसीएम लें, एलसीएम के बाद सॉल्व करें, आसानी से आपका ए निकल आएगा। इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आपका ए हो जाएगा। पहले इस प्रश्न को देख लें, इसको हर के प्रमेयकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल हर का प्रमेयकरण करने के बाद इसको लेके हम ए वाला पक्ष निकाल लेंगे। इसके बाद ए वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इस पक्ष को लेकर इसको आसानी से लाया जा सकता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेक के फॉर्म में तो आसानी से आंसर निकल आएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। जी बहुत ही छटे हुए मजे हुए प्रश्न हैं दोस्तों, आप इनको देखकर जरूर जाएं। और यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं तुरंत आपके लिए इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो एक स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। फिर आखिरी के कुछ प्रश्न ए हैं तो इनको भी आपको देखकर जाना है। इस वाले प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें मान ज्ञात करना है, इस वाले प्रश्न में भी हमें मान ज्ञात करना है। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, जहाँ टू ए न्यून कोण है। ध्यान दीजिए न्यून कोण है यानी कि 90 अंश से कम है, तो इसको हल करते समय हम इसको लिखेंगे। फिर टेन को कॉट के फॉर्म में हम बदलेंगे तो टेन को लिख सकते हैं हम 90 माइनस थीटा 2a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये न्यून कोण है यानी कि 90 अंश से कम है, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये आखिरी प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें साइन a का मान दिया है और cos a और tan का मान परिकलित करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण की वैल्यू दी है तो हम इनकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा देने से पहले हमें एक बार जरूर देखना है और इनको देखकर ही परीक्षा में बैठना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। थैंक यू।